है? टॉमी कहाँ जा रहा है? टॉमू कहाँ जा रहा है? देखिए साथ ही चल पड़ता है, दूसरा मैंने बांधा हुआ है अभी अपने वाला, नहीं तो वो भी साथ ही आ जाना था। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमारे जंगलों के फल होते हैं बहुत मीठे होते हैं खाने के लिए, ये देखिए यहाँ पे लगे हैं, छोटे छोटे भी हैं, कुछ पक गए, मतलब ये देखिए इस तरह से होते हैं और बहुत मीठे होते हैं, और हम लोग इनको काप फल बोलते हैं। लेकिन ये इसका एक पेड़ भी होता है, वो दूसरे होते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होते खाने के लिए, लेकिन ये भी बहुत मीठे होते हैं। ये देखिए तो ये जंगलों के फल है और बहुत टेस्टी होते हैं और फायदेमंद भी होते हैं। राज जी, राधे राधे, जय माता दी, आप सभी कैसे हो? तो स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है, बारिश के बाद का मौसम है, बहुत ही सुंदर है, बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ अभी पत्तियाँ लाने, क्योंकि घास तो भी गिल्ला है, तो पत्तियाँ लेके आऊँगी। तो आजकल चारों तरफ हरा भरा ही है और बारिश से तो और ही ज़्यादा हो रहा है। कितना सुंदर लगता है, खेतों में भी ऐसा घास आ गया है। ये देखिए पेड़ पौधे तो है ही हरे भरे। तो ये टॉमी भी साथ ही आ गया है, आज दो डॉगी है मेरे, एक जो अपना है और दूसरा मेरे दूसरे घर में रहता है, जो मतलब मेरे जेठ जी वगैरह उनका डॉगी है ये, तो ये हमारे घर भी आता रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे आड़ू लगे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखिए। चल टॉमी कहाँ जा रहा है? टॉमी, टॉमू, टॉमू घास को चल पड़ा आज। आजा आजा टॉमी, कहाँ जा रहा है भाग के? टॉमू आजा आजा चल। वैसे तो अभी पत्तियाँ भी गिली है, पर लेकिन लानी तो पड़ेगी, क्योंकि 5-6 दिन हो गए, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो पशुओं के लिए घास पत्तियाँ तो लाना ही पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे है, ये बोलते इसको बोलते हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं गढ़ेला, और ये ना कड़ी पत्ता है, मतलब कड़ी में डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी, मतलब अच्छा स्वाद आता है कड़ी का, और चीज़ों में भी शायद पड़ता है, कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज होता है और दवाई के लिए भी यूज होता है। ये देखिए तो हमारे बहुत ज़्यादा होता है यहाँ गाँव में, और इसमें फल भी लगता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है खाने के लिए, जब पक जाता है तो बहुत मीठा होता है। तो जब लगेगा तो मैं आपको इसकी वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी एक। तो ये देखिए वैसे तो अभी गिल्ला ही है ना, लेकिन पेड़ कुछ सूख गए तो मतलब पत्तियां तो अब लानी पड़ेगी पशुओं के लिए, बहुत दिन हो गए आजकल सूखा ही घास खा रहे पशु। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है, जो मतलब खाते हैं इनको फल ही होते हैं, जंगलों के फल होते हैं, काप फल बोलते हैं हम लोग इनको। तो ये हमारे होते हैं, देखिए एक तो ना दूसरा भी होता है, उसका पेड़ होता है, लेकिन ये मतलब घास जैसा ही होता है, उसमें लगते हैं ये देखिए, ये बहुत सुंदर होते हैं खाने के लिए, भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ये देखिए जंगलों के फल है और बहुत मीठे होते हैं खाने के लिए, बहुत सारे लगे हुए इधर। आए टॉमी कहाँ जा रहा है? टॉमू कहाँ जा रहा है? देखिए साथ ही चल पड़ता है, दूसरा मैंने बांधा हुआ है अभी अपने वाला, नहीं तो वो भी साथ ही आ जाना था। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमारे जंगलों के फल होते हैं बहुत मीठे होते हैं खाने के लिए, ये देखिए यहाँ पे लगे हैं, छोटे छोटे भी हैं, कुछ पक गए, मतलब ये देखिए इस तरह से होते हैं और बहुत मीठे होते हैं, और हम लोग इनको काप फल बोलते हैं। लेकिन ये इसका एक पेड़ भी होता है, वो दूसरे होते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होते खाने के लिए, लेकिन ये भी बहुत मीठे होते हैं। ये देखिए तो ये जंगलों के फल है और बहुत टेस्टी होते हैं और फायदेमंद भी होते हैं। ये मैं पहुँच गई हूँ अब अपनी घासनी में, जहाँ मैं पत्तियों को आई थी। तो ये देखिए ये है पेड़, मैं पत्तियाँ इससे ही काटूंगी, और ये है किम्मू का पेड़,
मतलब किम्मू बोलते हैं हम गांव की भाषा में। तो इसकी पत्तियाँ ले जा रही हूँ अभी राय के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।